पानीपत के किशनपुरा एरिया में 11 जून को हुई गन पॉइंट पर लूटपाट के दो आरोपियों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि 11 जून की रात करीब 10:30 बजे मयूर मिष्ठान भंडार का मालिक जब दुकान का सामान दुकान के भीतर रख रहा था तो तीन लुटेरे दुकान के अंदर घुसकर गन पॉइंट पर 32,000 लूट कर लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि ये चार आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी बाहर गाड़ी में तीनों का इंतजार कर रहा था, जिसकी जांच CIA 2 को दी गई और इसमें तत्परता दिखाते हुए CIA 2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपक बंगा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जो कि सातिर अपराधी और शार्प शूटर बताए गए, जिनमें एक रवि उर्फ कैरा उम्र 21 साल दिल्ली के नागर ठाकरान का रहने वाला है और दूसरा अभिषेक उर्फ कुल्लू दरियापुर कला दिल्ली का रहने वाला है और जिसकी उम्र भी 21 साल बताई जा रही है। दोनों सातिर अपराधियों में एक देसी पिस्तौल, 32 बोर व 2 जिंदा कारतूस और एक होंडा सिटी कार मिली है, जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले दिल्ली के बवाना क्षेत्र से चोरी की थी। रवि उर्फ कैरा के खिलाफ दिल्ली के थाना कंजावल और थाना बेगमपुर, थाना अमन विहार व सोनीपत के थाना गन्नौर में संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अभिषेक उर्फ कुल्लू पर थाना बेगमपुर और थाना बवाना में मुकदमे दर्ज हैं। यह भी पता चला है कि रवि उर्फ कैरा सोनीपत के बजाना खुर्द का भांजा है। सतवीर के दो भाइयों का 2013 में कत्ल हो गया था। सतवीर ने अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए रवि कैरा से संपर्क किया और इस प्रकार सतवीर के दुश्मन पर गोली चलाई थी, जिस बारे जिला सोनीपत में मुकदमा दर्ज है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस होंडा सिटी कार में दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए, यह होंडा सिटी कार भी चोरी की थी और इस बारे में जानकारी देते हुए DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने इंस्पेक्टर दीपक बंगा और मुख्य सिपाही प्रमोद कुमार, राजेश कुमार, कांस्टेबल SC हंसवीर और सतबीर परविंदर की बुरी बुरी प्रशंसा की। हमारी CIA की टीम बांध मोड़ इसराना में मौजूद थी, तो वहाँ पर वो चेकिंग कर रहे थे। एक सस्पेक्टेड गाड़ी होंडा सिटी वहाँ पर नजर आई, तो जिसको रोक के उन्होंने चेक किया, तो उसमें दो लड़के सवार थे, रवि उर्फ कैरा ये नांगल ठाकरान दिल्ली का और एक लड़का अभिषेक ये था दरियापुर कला दिल्ली का। दोनों लड़कों से पूछताछ की और गाड़ी के बारे में पूछा, तो गाड़ी के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इससे शक हुआ कि ये चोरी की गाड़ी हो सकती है, तो हमारी CIA 2 की टीम ने उनको गिरफ्तार किया और उनकी चेकिंग की, तो उनके इस कैरा से, रवि उर्फ कैरा से, एक देसी पिस्तौल 32 बोर का और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस द्वारा कुल 3 दिनों में अपराधियों को हिरासत में लेने के कारण जनपद के पानीपत CIA 2 पुलिस की सराहना की जा रही है। दीपक बंगा के नेतृत्व में CIA 2 में पहले भी बड़े खुलासे किए जा सके हैं, जिसका पानीपत में अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि पानीपत पुलिस अब सक्रियता से अपना कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।